नहीं वो छोटू को बुलाए ना, छोटू को छोटू नहीं वो दूसरा छोटू हमारा, छोटू हमारा। अच्छा काशी आप बताओ, मुझे याद कर रहे थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जाके सो रहा था आराम से। मैं खुद और मेरा बेटा इतना प्यारा था यार, कब से आप लोग का मम्मा हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बेबी अभी छोई छोई कर रहा है, बेबी ने अभी नाई नाई की है। आज जो है वो कितना जल्दी उसने वॉक कर ली थी, उसने नेक्स्ट डे ही वॉक। ओके सो आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस, सबसे पहले तो मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस, सबसे पहले तो मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, नंबर वन। नंबर टू, प्रैंक वीडियो क्यों बनाई? शुगर मेला लगाने के लिए, मैंने आपको बता दिया था। नंबर थ्री, आप कहाँ हो, क्या है, बच्चा कैसा है, एनी कैसी है, आपको सब कुछ माशाल्लाह पता चल गया होगा। आपने सारे व्लॉग्स देखे, उनको इतना प्यार दिया, मेरा इनबॉक्स भर चुका है, मेरा सब कुछ मतलब जितने भी फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। ओले मिला बेटा, इतना प्यार दिया आप लोगों ने, इतने सारे कमेंट्स किए हैं, उसके लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा आज फ्रेश व्लॉग बनाते हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह समझें आप छठी जो है ना वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब कुछ हो चुका है। बेबी की मम्मा ने शावर ले लिया है, एवरीथिंग इज़ गुड। बेबी का हेड जो है वो हो चुका है, मतलब वो जो शेव होता है ना, गंजा हो गया है हमारा बच्चा, एंड इतना माशाल्लाह क्यूट लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो अभी यहीं पर ही हूँ एनी के इन लॉज की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो काफ़ी दिन से यहाँ पर हूँ, बड़ा मतलब चिल सीन है, आराम से रेस्ट कर रही हूँ, खाओ पियो ऐश करो वाला सीन है माशाल्लाह से। सो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। बस ये सीन है यार, अभी जो है वो एनी गई है थोड़ा सा वॉक करने के लिए, एंड अजान भी हमारे साथ है, तो उसको जो है ना थोड़ा सा खिलाना चलाना, और बड़ी हिम्मत की है उसने, वो उठ गई है। और जितनी भी लड़कियां जो जिनका ऑपरेशन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत का काम है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हर चीज़ हो जाती है। अच्छा सो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ मैं जी। सो इस वक्त मैंने जो है वो अपना आईपैड उठा लिया है भाई, ठीक है, इसमें आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आ रहे हैं भाई। एनी ऑपरेशन के बाद जो है वो कितना जल्दी उसने वॉक कर ली थी, उसने नेक्स्ट डे ही वॉक कर ली थी, जैसे आज ऑपरेशन हुआ कल सुबह वॉक कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इट्स अ बेबी गर्ल, इट्स अ बेबी बॉय, वो आपको पता चल गया होगा माशाल्लाह से, इट्स अ बेबी बॉय। बच्चे का नाम क्या है, चलो वो आज के व्लॉग में हम रिवील कर देंगे। अच्छा जी, सो बच्चा और बेबी की कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं कि कौन सा डॉक्टर बेहतर है प्रेगनेंसी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, वो सब आप लोगों को मैं हमेशा से प्राइवेट में बताऊंगी। मैंने पहले भी बताया हुआ है, एनी की डॉक्टर चेंज थी, मेरी डॉक्टर चेंज थी, हॉस्पिटल हमारा किसी ने पूछा सेम था, तो हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल सेम था, लेकिन हमारी डॉक्टर्स अलग अलग थी, ठीक। सो बहुत सारे यार आप लोगों के तो बहुत सारे सवाल आए हैं, इसको हम ऑन करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पूछा हुआ है, बहुत सारा कुछ पूछा हुआ है यार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, देख सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको, आप लोगों ने बहुत शिकवा किया कि मैंने ब्लॉग सही से नहीं बनाया, अभी भी सही से नहीं दिखाया, एनी को नहीं दिखाया। मैं और मेरी बहन जो अरसलना है, आप लोगों को पता है अरसलना जो है शीज़ एन एक्ट्रेस, उसका शोबिज़ से ताल्लुक है, मैं ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर और ये सारा काम, एनी इन सब जगहों पर आपको नहीं दिखती होगी, ठीक है, और उसको ये चीज़ें पसंद भी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने उसको या उसके बेबी को या किसी चीज़ को नहीं दिखाया। जब उसकी खुद की मर्ज़ी होगी, वो हमें बोलेगी, वो खुद लगाएगी कहीं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस आप लोग जो है ना वो थोड़ा शिकवा मत करो यार, हर किसी का अपना होता है, तो वो वाली बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना जो प्यार दिया है ना, वो मतलब मैं आप लोगों को ना बता नहीं सकती हूँ, इतना मतलब मुझे अच्छा लगा है ना, आप लोग मुझे एकदम फैमिली की तरह समझते हैं। अच्छा जी, सो बेबी से मिलवाने, अच्छा बेबी से मिलवाने का सीन ये है कि हम आपको बहुत जल्दी मिलवाएंगे बेबी से। अच्छा जी, सो क्या हम बच्चों को, छोटे बच्चों को सुरमा लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं? अच्छा, किसी ने ये सवाल पूछा है, इनका नाम है जी राबिया। अच्छा, तो सीन ये है यार, बिल्कुल लगा सकते हैं, अभी इवन हमारा जो बेबी है बिल्कुल अभी नहा धो के बहुत ही प्यारा सा हो गया, अभी अभी जो है ना दादी जान ने इनको, इनकी दादी ने सुरमा लगाया है, और इवन यहाँ पर शायद आंटी ने रखा भी है,
कि आप दोबारा लगा। सो ये जो है ना अभी आंटी ने मुझे ही दे दिया था, आंटी ने कहा था आप दोबारा लगा देना, तो मैंने कहा चलें ठीक है लगा दूंगी। तो ये अभी इनकी दादी ने लगाया था, तो बिल्कुल आप लोग जो है वो चाहें तो सुरमा लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेबी के यार बहुत सारे आप लोगों ने सवाल पूछे हुए यार। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, अच्छा अच्छी बात है आप लोग सवाल पूछो। दो से तीन चीज़ें जैसे ही सब लोगों को पता चला मेरी सिस्टर का, तो मुझे लोगों ने मैसेजेस डीएम करना शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने मुझसे यकीन करें नहीं पूछा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सबके एक सवाल थे, अच्छा बेबी हो गया क्या हुआ है, इट्स अ बेबी गर्ल और इट्स अ बेबी बॉय, ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल। ये दो कॉमन क्वेश्चन थे जो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। अच्छा मैं यकीन करें मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं बोलती हूँ यार शादी हो जाए किसी की, शादी के बाद बच्चा कब होगा मत पूछो, प्रेग्नेंट हो जाए फजूल के अंदर तफरियां करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पूछना बेटी है बेटा है बार बार, और मतलब आप पहले ही बहुत सारी कंडीशन से गुजरे हो तो अचानक से ऑपरेशन जो कोई खुद बता दे बात अलग, लेकिन हमारे यहाँ आजकल रिवाज हो गया ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल। मुझे लगता है लोगों को खुशी मिलती है पूछ के ना, वो पूछना चाह रहे होते हैं। और बाकी जेंडर का तो मैंने आपको बताया ही है। खैर ये सब चीज़ें जब कोई खुद से आपको बता दे तो बता दे, वरना अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है खुद से नहीं पूछनी चाहिए। मेरी पर्सनल राय ये है। मेरे भी टाइम पे जब बेबी अभी छोई छोई कर रहा है, बेबी ने अभी नाई नाई की है, माशाल्लाह 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 यार इतना अच्छा जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा। ही इज़ अ वेरी वेरी कोऑपरेटिव बेबी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का माशाल्लाह ज़्यादा नहीं रोते हैं हमारे शाहवीर साहब, और बहुत ज़्यादा इनका ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, माशाल्लाह अभी तक बहुत स्मूथ बहुत अच्छे जो है ना ये बेबी हैं माशाल्लाह से, तो बड़ा जो है ना वो मज़ा आता है। अच्छा आप लोग पूछ रहे हो कि बेबीज किस में मिलता है, तो ज़्यादातर मेरी सिस्टर में ही मिलता है, और बाकी जब वो हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये अपनी दादू में भी मिलता है, और जो एनी की सिस्टर इन लॉ हैं उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो ये सीन है, बच्चा जो मिलता है वो बिल्कुल अपने ददियाल पे जो है वो है आप लोग कह सकते हो अभी। लेकिन ये है कि जब वो हुआ था तो ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी सच्ची बताऊँ तो एनी में मिलता है, लेकिन अभी देखो पता चलता है महीने दो महीने बाद, ठीक है अभी आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो बेटा शावीर साहब तो भाई फुल सो रहे, इजी यार मेरा बेटा जो है ना आज इसका यहाँ पर कोई दूसरा तीसरा दिन है, बिल्कुल खाना इजी। क्या खाओगे बेटा मुझे बताओ क्या बनाऊं, जाओ बाहर जाओ उनको बोलो मुझे एग बना के देगी, जाओ उसको बोल दो राबिया बाजी इसको एग बना दीजिएगा, जाओ इजी बाहर जाके उनको बोलो बोलो मुझे एग बना दें, और उनको बुलाओ बोलो यहाँ वॉशरूम क्लीन करते हैं आकर। अच्छा जी, सो भाई अभी जो है ना काम शाम भी चल रहे हैं, सब लोग आए हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, शुगल मेला लगा हुआ है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बाहर भी लेके चलूँगी। अच्छा सो बस यार ये वाला सीन है, और बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी नमाज़ पढ़ती हूँ, बिरयानी शिरयानी बन रही है, ज़रा थोड़ा खाना शाना खाया जाए, पेट पूजा फिर काम दूजा, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हैं वो मैं इंशाल्लाह दूंगी थोड़ी देर में। अभी एनी मम्मा लोग भी हो सकता है आ जाएंगे, ये रख दो यहीं पर ही रख दो, तो ये सीन है। ठीक है जी, थोड़ी देर मैं बोला था गार्ड ने बोला मैं ला रहा हूँ, और हम गए लिफ्ट के अंदर जा रहे थे हम लोग, और क्या हुआ भाई मेरे को वहाँ पे फ़ैन मिल गए, उरूज स्माइल आप ब्लॉग बना रही है, तो मैंने बोला जी, मैंने बोला नहीं मैं ब्लॉग तो नहीं बना रही, लेकिन हाँ मैं वैसे ब्लॉग बना रही हूँ, और ये देखिए उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा, ब्लॉग देख के मेरे को जो है ना हज़ार रुपये दे दिए, कह रही हूँ तुम्हारे बच्चे के मुँह दिखाइए। मैंने बोला आंटी जी मैं नहीं ले सकती, हाँ तो अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि आप आ जाएं, लेकिन आंटी अगर ब्लॉग देख रही हैं आंटी आप आ जाएं, लेकिन आप नहीं, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, थैंक यू सो मच। सो ये आपके ये लीजिए आपके बच्चे की कमाई है, मेरे फैन ने दिया, अभी क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच आंटी। बच्चे बच्चे मिल गए मुझे सारे जो है ना वो, अब मैं वैसे भी पहले आपको पता है यहाँ तो माशाल्लाह जो है ना वो सारे पहले भी मिलते हैं जानते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अभी हम खाएंगे बिरयानी और इन्जॉय करेंगे और फिर आपसे मैं, यार हमें ये बताएं कितना मज़ा आया उसको निलाने में, बहुत मज़ा आया है ना, आराम से हमने निलाया, इजी हाँ, नहीं नहीं हम आते जाते रहेंगे, नहीं नहीं बोलो हम आते जाते रहेंगे, तो बोलो दोस्त बन गए आप, मुझे मैगी बना के देती हैं, फर्स्ट टाइम मैंने इतना छोटा बच्चा निलाया है, अपने बच्चे भी नहीं निलाए, हाँ वो तो आपके साथ मिलके निला लिया, ये तो अब रोज निलाएंगी इनका तो चलो अब आप हमारी बहन का ख्याल रखिएगा
सही बात है। नहीं आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम शाम करती हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल जबरदस्त यार। तुम्हारी तो बहन हम हो या ना हो तुम्हारी अच्छी हेल्प हो जाएगी, इतनी अच्छी तुम्हारी हेल्पर हैं भाई, नसीब से मिलती हैं, कहाँ वरना इतनी अच्छी मिलती हैं। और इनकी बेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, है ना दोनों। तो गाइज हम हाँ उसको तो 24 आवर्स साथ रहेगी। हम जा रहे हैं भाई आज, मतलब मैं जा रही हूँ आज तकरीबन एक हफ्ते बाद अपने घर ना। तो ये था कि मैं सबको बोल रही थी, मैंने बोला आप लोग ज़रा जो है ना वो ख्याल रखिएगा यार। मुझे फुप्पो का केक भी दिखाना था अभी, हम ना मुझे वो केक दिखाना है। फुप्पो ने इतनी दूर से इतना मज़ेदार प्यारा सा केक भेजा है, कल से रखा हुआ है वो शावीर की फुप्पो ने, शामीर निकलता है। सो इंशाल्लाह फिर गिर गया अजान उसको मत हंसाओ, उसके टाके लगे हुए। इज्जी इतना फनी हरकतें कर रहा है ना यार, मैं आपको नहीं बता सकती। अभी हम थोड़ी देर में मम्मा और एनी लोग आ रहे हैं, काशिफ लोग आ रहे हैं ना, अरसलना और मम्मा और काशिफ लोग आ रहे हैं। फिर हम जो है ना वो शावीर की फुप्पो ने जो केक भेजा है ना वो कट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाबा भी अभी फ्री हो जाएंगे, सब रेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मज़ा आएगा। सो मैं अभी नमाज पढ़ लेती हूँ। चाय बन गई हमारी मज़ेदार सी, चाय वाय पियेंगे अभी हम। अच्छा राबा जी ये कोने पे ना इसकी फीडर रखी होगी अजान की, वो वॉश करके चल जाएगा, बस मैं उठा लूँ। हाँ जी हाँ जी, यही बेसन पे रखी होगी। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सो भाई अभी अम्मी वाले का इंतज़ार हो रहा है, अम्मी वाले हैं सो वो लोग आ जाएं इंशाल्लाह, तो उनसे मिलेंगे। अभी जो है ना शावीर साहब हमारे मतलब उठ ही नहीं रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, आज फर्स्ट टाइम बात लिया उन्होंने, तो वो इतने माशाल्लाह से सुकून में है माशाल्लाह माशाल्लाह कि वो सो रहे हैं। ठीक है जी, एंड यस ये वाला सीन है, बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है। अभी मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रही थी और एनी का ना ऐसा मूड हो गया, अभी मैंने इन लोग को बता दिया सारा कुछ ना कि भाई ऐसे ऐसे इसको इस टाइम पे ये चीज़ देनी है, ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, तो मैंने कहा इसको बता दूँ मैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। एनी मैं इनको बता दूँगी, मैं इन्हें समझा दूँगी कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो ये बना देंगी, मैंने इनको बता दिया है। तो ये सारा सीन है यार, ये लोग आ जाएं तो फिर हम मिलते हैं, और फिर मैं अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। मुझे आप लोग के सवाल निकालने हैं, आप लोग जो जो पूछ रहे हो उसके बाद मैं आपको जवाब देती हूँ। आती हूँ व्लॉग्स वीडियोस वगैरह, तो बस वही आजकल जो है ना वो बना रही हूँ। यार ये हटना ज़रा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है पिल्लू यार, इसको तो मैंने व्लॉग में नहीं लिया, इसको अभी हम व्लॉग में लेंगे। ये बड़ा अच्छा लग रहा है ना भाई, ये है, ये हल्का सा दिखाइएगा, ये हाथ आएगा बस आपका, आप नहीं आ रही। अच्छा देखिए सीधा करिए सीधा, हाँ भाई, तो ये है उसके लिए फिट करवाने के लिए। जबरदस्त, कैसा है राबिबा जी आजकल? आसान, अभी छोड़ इसी, आसान है, बहुत आसान है हाँ, इससे आसानी हो जाती है, बच्चों को भी आसानी होती है, माँ को भी आसानी हो जाती है। तो ये कुछ गिरने का डर हाँ, ना उसने कोई उतरने का डर, सही है, बिल्कुल सही है। ये मंगवा लिया था, ऑर्डर कर दिया था, तो आप लोग भी अगर जो है ना वो ऑपरेशन वगैरह होता है ना तो ये वाला पिल्लू मंगवा सकते हो। और ये अजान मेरी जान खाने के लिए मेरी बात सुनो, कुछ बनवाऊं आपके लिए, कुछ खाओगे? मैगी खाओगे? अगर मैगी खाने तो बनवाओ, जाओ खाने मैगी। ये कुछ नहीं खाता ना, मैं इसको आदत डाल रही हूँ यार, कुछ खाता ही नहीं है ये देखना ना आपने, अभी इसकी यही हरकतें हैं। हाँ जी, काम का ये फेंक, नहीं ये फेंक दे, कोई काम का नहीं है, हाँ ये मुझे दे दीजिएगा। तो हम गए वहाँ से, डेकोरेशन हमें करवाना था। अभी मैं यहाँ पर ना अपने किस्से कहानियाँ सुना रही हूँ एनी को कि यार मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने सोची हुई थी, हमें ऐसे करना है वैसे करना है। हमारे जीजा ने मुझको ऑलरेडी चीज़ें सेंड की नहीं थी कि यार इस तरीके का हम इस तरीके से ये करेंगे। अच्छा तो अभी हमें क्या गाड़ी डेकोरेट करवानी थी, इतनी तेज़ धूप थी कि हम दो तीन जगह जहाँ पर भी गए उन्होंने हमें बोला कि आप बलून्स अगर डेकोरेट करवा रहे हो ना पूरी गाड़ी पे, बलून्स फट जाएंगे, बलून्स फुस हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। फिर हमने कहा यार क्या करें, फिर मैंने अपने वाले बंदे के पास जो है ना यही हमारे घर के पास वाला फेस टू पे भेजा, तो वहाँ पर फिर वो वाले बंदे ने पूरा डेकोरेट करके गाड़ी को फूलों वाला दिया, और वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा वलीमे वाला फील आ रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो बलून की तुम बात करी हो ना, तो ये वाले बलून्स मिलते हैं उधर से,
और उस वक्त आपको पता है अपन का डिफेंस खुलता है नहीं, पूरा खुलता ही 12-1 बजे, सारे नशे वाले लोग हैं, पूरी रात वहाँ पे खुला हुआ होता है तो सुबह लेट खुलता है, तो बस वो वाला सीन है। पहले बेबी में मैंने एक चीज़ ना नोटिस करी है, पहले बच्चे में मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा भी पहला बच्चा था, ऑपरेशन हो गया था, अगर अर्जेंट हो जाता है ना कुछ भी, पहले से पता होता है ना ऐसे इस तारीख को बच्चा होने वाला है, चीजें समेट के रखता है, करके रखता है, अगर हो जल्दबाजी में होता है तो समझ भी नहीं आती क्या समझ में, क्या चीज नहीं है, क्या समझ से बाहर हो जाता है, यही हुआ है। और हमारे साथ हुआ ही यही कि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, जो है ना वो बहुत सारी चीजें सोची थी हमने, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये लाएंगे ढोल वाला और ये सब, अभी इंसान क्या ही ढोल बजवाए कि खुद ही ढोल बन गया हो इंसान, 4 दिन से 5 दिन से हॉस्पिटल में, बंदी की तबीयत ही खराब ना हो। और मेरे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, मुझे सब बुरे लग रहे थे, मेरा भी एंड टाइम पे ऑपरेशन हुआ था, मुझे मेरे शौहर जो है ना बुरे लग रहे थे, मैं उनको कह रही थी यार मतलब ऐसे अचानक से हो जाए, बस अल्लाह ताला साथ खैरियत से सबकी सारी चीज़ों। अब मैं एक चीज़ कहती हूँ आप सब लोग को भी बोलूँगी कि जो भी प्रेग्नेंट है ना 7वें 8वें महीने में बैग भी तैयार कर लें बच्चे का, समेट के रखें, और कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, अपनी फाइल ज़रूर साथ लेकर जाएं, ताकि कहीं पर भी कुछ भी केस हो आपके पास फाइल हो। हमारे पास फाइल ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो ये भी शुक्र है, वो तो ये हमारे करीब थी और हॉस्पिटल हमारा करीब था, घर के बिल्कुल सामने हॉस्पिटल, तो ये हमें आसानी हो गई, वरना तो बड़ा मुश्किल था अगर अर्जेंट हो जाता। यूँ लेकर गए थे हम लोग फ़ौरन से जो है ना, और ये वाटर बैग का ना चल रहा है आजकल, ऐसा हो जाता है। अच्छा 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 ओ हो बस अल्लाह ताला सबके लिए साथ खैरियत की चीज़ें करे, लेकिन फिर हर चीज़ के बाद जब अपने बेबी को देखो तो फिर सब खुशियाँ, वो सब ऐसा हो जाता है, सारे दुख भूल जाता है इंसान, अल्लाह ताला सबको ही खुशियाँ नसीब करे, आमीन। हमारे घर वाले ऐसे ही करते हैं, टाइम देते हैं कुछ और टाइम आते कुछ हैं, दूर भी है ना सर हमारे घर से तो, लेकिन अभी इंशाल्लाह आने वाले होंगे, बस आप 10 मिनट और देखिएगा वरना फिर आप चली जाइएगा। और मेरा बेटा इतना प्यारा था यार, कब से आप लोग का मम्मा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं आंटी का सब, अरे भाई इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी, क्या लग रहे हैं मेरे शौहर तो। आई बैठे मैं आंटी लोगों को बताती हूँ सब आगे, मैं उठा लू कैसी और सलाम, मिल तो लो इधर आकर, इधर आओ मिल तो लो, बहन किधर है। गाइस इसकी 3 दिन से इसका पैकअप था, ये एक शूट पर थी 3 दिन से, इसको बेचारी को इसीलिए ये आपको हॉस्पिटल में नज़र नहीं आई, और आज ये मिलने के लिए आई है, और इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत तबीयत ख़राब है इसकी, और अब घर घर लग रहा है, ज़रा चिल्ला चिल्ली हो गई। चलो बैठो बैठो सर, वहाँ से उनको बुलाना, बोलो सामान ले जाओ, चाय बोलो, चाय रख दी उन्होंने आंटी को बता देती हूँ यार मैं बात, जो है ना वो अपने शौहर से मिली हूँ एनी, तो अभी तो डिप्रेशन चलेगा ना, अभी तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी स्टार्ट हो गया है। काशी आप बताओ, मुझे याद कर रहे थे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो जाके सो रहा था आराम से, मैं खुद भी आपको याद नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ पे इतना मजा आ रहा था, खुद बहुत मजा आया, मैं अकेले सोता हूं, मुझे भी यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। मैंने तो यहाँ पे खूब जो है ना खूब एंजॉय किया। गाइस बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी ले आए समोसे आ गया। देखो छोटू को मिलाए ना, छोटू को छोटू ये वो दूसरा छोटू हमारा, छोटू हमारा अच्छा यहाँ पर हमने खाना शाना खाया, ज्यादा व्लॉग में नहीं बना सकी, सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ओल मिला बेबी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया सबके साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़रबद से बचाए। सो चलें जी अब मैं जा रही हूँ अपने घर वापस बच्चों को लेकर, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, रखिएगा अपना बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा लाजमी से माशाल्लाह, एंड इसके अलावा जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट व्लॉग्स मिल जाएँ। बाय बाय।